लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अब कुछ ही समय बचा है, जबकि सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने और फाइनल करने में जुटी है। और जो नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रखते हैं, वे पार्टी और आमजन को प्रभावित या उनके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। आज इसी कड़ी में भाजपा के बाबा अमित बिंदल, सोनीपत लोकसभा के गोहाना और खरखोदा हलकों में भाजपा की पिछले 10 साल की लोकप्रिय नीतियों को एक बुकलेट में समाहित कर जन जन तक पहुंचाने की सोच के साथ यात्रा निकालते दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में आमजन भी कदमताल करते हुए शहर की सड़कों से गुजरता दिखाई दिया। इस दौरान जगत महान न्यूज ने भी खरखोदा की गलियों में आमजन से मिलकर उनके मूड को भी जानने का प्रयास किया कि वे इस बार किसे देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। खरखोदा की गलियों में यहाँ जगत महान न्यूज पहुँचा है, यहाँ पे हम लोगों से कुछ चर्चा करेंगे। एक बाबा जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है कि आपकी बार किस पार्टी को लोगों ने मौका देना चाहिए? भाजपा को ही देना चाहिए जी। भाजपा को क्या ऐसी खास बात नजर आती है? इनके ऊपर मोदी है जी, मोदी सरकार है और मोदी से अच्छा कोई नहीं है जी। अच्छा, कौन सा मोहल्ला आपका? सैनीगढ़ी मोहल्ला है जी। सैनीगढ़ी मोहल्ला कहाँ का? खरखोदे का जी। खरखोदा का, इसलिए मतलब पसंद है उसकी नीति? हाँ जी, पसंद है बिल्कुल। तो क्या नीति पसंद है? हम तो यही चाह रहे हैं जी कि मोदी सरकार आवे। मोदी सरकार? हाँ जी, खुशी है हमें, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी कोई नहीं, बोलने दे उनके, कोई बात नहीं है, ये पब्लिक का वो है जी, पूरा देश जानता है इस बारे में। तो मोदी सरकार से खुश है, कोई नहीं है और इससे खुश है, ज्यादा खुशहाली आएगी जी मोदी से। क्या कहोगे, किसको वोट दोगी अब की बार? मोदी को, कांग्रेस? मोदी ने देंगे, मोदी ने दोगे? हाँ। क्या बात है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60-70 साल की। 60-70 साल, ये 75 साल की बुजुर्ग भी। और यहाँ कुछ लोग जो यहाँ के बासिंदे ये खड़े थे, ये कह रहे हैं कि अब की बार मोदी को ही वोट देंगे। हमने सवाल भी पूछे कि बेरोजगारी और दूसरे सवाल भी खड़े करते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि नहीं, मोदी को ही हम वोट देंगे। सतपाल जी, सतपाल जी, आप ये किराना स्टोर चलाते हो? हाँ जी। मौजूदा सरकार भाजपा की है और कांग्रेस भी जो है अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में है और वो आरोप भी लगाते हैं बहुत सारे भाजपा पर, तो आप क्या सोचते हो कि आपकी बार किसे मौका देना चाहिए? मौका तो हम पहले बीजेपी को देते आए जी, उसी को देंगे जी। उसी को देंगे? हाँ जी। तो कुछ फायदा हुआ, आप रोजगार चला रहे हो अपना? रोजगार चला रहे हैं, समय पे सामान मिल रहा है हमें। अच्छा, मिल रहा है सामान? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कारण है मोदी की, कौन सी ऐसी नीति आपको पसंद आती है जिसके कारण आप उनको वोट दें? अब नीति तो सब भी है जी, उनके पास समय पे सब काम हो रहे हैं, समय पे सब काम। हाँ जी। अभी राम मंदिर बनाया, क्या उसका भी असर है दिमाग पे? नहीं, वो तो देखो सबको असर है और होना भी चाहिए, अच्छे काम हो रहे हैं तो अच्छे ही, इसलिए अब की बार जो है। हाँ जी। उनको, मोदी को? हाँ जी, भाजपा को, कांग्रेस को नहीं? नहीं जी। कांग्रेस से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, क्या देखो समय पे आने नौकरी भी मिलेंगी, अब हम इतने पढ़े लिखे नहीं है जो हम नौकरी का वो करें जी, मतलब दुकानदारी में ही आप संतुष्ट हैं, लेकिन भाजपा को, ये भाजपा को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हो? आप दुकान चला रहे हो और मुझे लगता है विकलांग हो आप, और कुछ सरकार से कुछ फायदा मिला? ठीक है सरकार, वैसे अच्छी सरकार है। हाँ, सही। तो अब की बार किसको मौका देने वाले? आपके इन्हीं को देंगे, आपके भाजपा को। ये सभी लोग जो है यहाँ पे जो है, कुछ लोग कांग्रेस, कुछ लोग भाजपा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि हम भाजपा को ही मौका देंगे। ये एक दुकान चलाते हैं यहाँ पे, अंडे की दुकान चलाते हैं। क्या नाम क्या है आपका? कालू जी। कालू? कालू, ये कालू दुकान चलाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम भाजपा को मौका देंगे। नमस्कार साथियों, हम खरखोदा की गलियों में हैं। यहाँ पर मैं लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार को देखते हुए यहाँ पर लोगों के दिलों दिमाग में कौन सी पार्टी है उसके बारे में जानना चाहूँगा। यहाँ पे ये कुछ युवा है, क्या नाम है आपका? ललित। ललित, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी। तो आप युवा हो, नौकरी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। हाँ जी। दो पार्टियाँ, तीन चार पार्टियाँ हैं जो यहाँ पे प्रयास कर रही हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, दूसरी जसपा है, इनलो है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो आप अब की बार किस पार्टी को चुनना चाहोगे? अपने एक के जी, कांग्रेस है। कांग्रेस? हाँ जी। तो उस पर कैसे भरोसा आपका? बस ऐसे ही, पता है क्या जी, वो काम करवाते जी, काम करवा। हाँ जी।
दिल ठोक के वो काम करवाते हैं। यहाँ पर एक और बुजुर्ग बैठे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो जी कांग्रेस की वोट देंगे। कांग्रेस की वोट दो? हाँ जी। कांग्रेस में जी क्या खास बात है? कांग्रेस साढ़ा काम कर रहा है, पूरे काम करती है। हाँ जी, इसलिए कांग्रेस ने मनाऊंगा। बिल्कुल है कि अब की बार जो है ये बाबा या फिर मोदी या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी, तो किसको लोग चाह रहे हैं? हम तो मोदी को चाह रहे हैं। मोदी में क्या खास बात है? वही खासियां इसकी जो हमने मिल रहे हैं, सुनते मिल रहे हैं। हाँ। क्या मिल रहा है? सारी चीज मिला है जो कोटे काटे में है। कोटा मिलता है जी। अच्छा, क्या कह रहे बाबू जी? माँ देश कटा पहुँचा दिया जी ना। अच्छा, देश गर्त में पहुँचा दिया, उच्च में पहुँचा दिया, ऊपर ऊपर। हाँ अच्छा, क्या लगे आपको? सब की मरा सारे से जितने देश से सब दोस्ती गाठ दी। अच्छा, जाने और भाई सबकी गल प्यार और इज्जत हो रही है। जिंगने भी जाऊंगा ना, मोदी 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 नारे लावा इसके। ये मोदी की गारंटी क्यों है? तो मोदी की गारंटी कुछ जचा है? मोदी की गारंटी में भाई भारत जच रही है जब तो जच रही है। हाँ। तो फिर मोदी, आप क्या कहोगे? मोदी को सपोर्ट करते हैं। मोदी को क्या, कौन सी नीति पसंद आती है? नीति तो सब ठीक है भाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार, करप्शन में कमी, मुश्किल लग रहा है और सबको बराबर का हक है। नीति तो ठीक है लेकिन उस साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। इसीलिए तो ना चलेंगे तो थोड़े बहुत का तो फर्क तो होता ही है हर गवर्नमेंट में। यहाँ आप लोग, आप भी खड़े हैं भाई जी, जिस प्रकार से अभी चुनाव लोकसभा का होने वाला, अभी कोई पार्टी तो आई नहीं है लेकिन कुछ लोग प्रचार करते घूम रहे हैं, आप क्या सोचते हो आपकी बार, राहुल गांधी या मोदी या फिर कोई और पार्टी? मोदी का जी, बिल्कुल मोदी का है। 100% नीति पसंद आती है। एक तो जो भारत का जो नाम ऊंचा कर विदेश में जाके सभी ये चाहते हैं भाई मोदी कुछ है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियां हमलावर हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उसको किस प्रकार से देखें? नहीं, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी जी, हमारे मोहल्ले में तो अभी कम से कम 10-12 नौकरी लगी है। कौन सा मोहल्ला, कहाँ का है? ये छैनी गड्डी मोहल्ला खरखोदा। अच्छा, लेडीज भी लगी है 3-4 और लड़के भी खूब लग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं बेरोजगारी वाली। कोई पर्ची खर्ची नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, कत्ती अपने काबिलियत पर लग रहे हैं, कोई एक पैसा नहीं लग रहा किसी का। भाई क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना भाई एक बात बताओ, अभी ये बाबा बिंदल यहाँ पे पर्चे बांटता घूम रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि आपकी बार जो है फिर से मोदी को लोग चाह रहे हैं या आप लोग किसी और को वोट दे? नहीं जी, हम तो मोदी को ही चाह रहे हैं। क्या खास बात है मोदी में? क्या खास बात है? हमारे बच्चों का इतना भला करने लग रहे हैं, सबका, गरीबों के साथ है। ये राम मंदिर जो बनाया, क्या इसका भी असर रहेगा? असर तो है, देखो अपने कुल मालिक है, जो किसी ने नियाज तक जो काम कर पाई वो इन्हें करया। वो अच्छा करा, इसलिए मोदी को हर काम अच्छा है इनका। मतलब मोदी की तरफ से कोई आ जाए या फिर कोई जैसे बाबा आ गए या कोई और आ गया तो इनको? देखो वो तो हमने तो जो भी बच्चा की, हमारे पूरे परिवार की के सलाह है, बच्चे अपने तेरा पे खड़े हैं वे। हाँ, तो उनके साथ करेंगे। हाँ, दोगे मोदी? हाँ देंगे मोदी। क्या मतलब आप युवा हो, आप क्या सोचते हो कि मोदी जो सरकार है या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी है या दूसरी पार्टियां हैं, तो क्या सोचते हो आपकी बार किसको बनाना चाहिए? नहीं, इनको मोदी जी को बनाएंगे। आप युवा हो, क्या ऐसा लगा मोदी जी ने कि जिसके कारण आप मोदी जी बनाएंगे? काफी प्रोग्रेस किए इन्होंने, जैसे मंदिर है बनाया है, क्या इसका भी कोई दिमाग पे आपके असर है क्या मंदिर के कारण? हाँ जी, असर तो होता ही है इन चीजों का। अच्छा, मंदिर बनाने का ऑल ओवर कैलकुलेशन ठीक है इनकी, बढ़िया ऑल ओवर ठीक है। मतलब ये विदेशों में जिस प्रकार से माहौल बना है तो उसका भी देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसके उपरांत हमारी टीम ने टिकट मिलने से पहले चुनावी माहौल बनाए अमित बिंदल से भी बात की और जानने का प्रयास किया कि एक सन्यासी जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं, उन्हें राजनीति में उतर गलियों की धूल क्यों फांकनी पड़ रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पूरे हरियाणा में अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां के नेताओं से आपको रूबरू करवा रही है। आज भी हमारी टीम पहुंची है खरखोदा में। खरखोदा में एक बाबा अमित बिंदल जो है लगातार जो है यहाँ भी और दूसरे शहरों में भी यात्राएं निकाल रहे हैं और जन जन तक पहुँच रहे हैं और भाजपा की जो
नीतियां हैं उनका एक पंपलेट बनवाकर वो भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं कि बाबा बिंदल को अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो एक इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वो चुनाव में उतर चुके हैं। बाबा अमित बिंदल जी, आजकल बाबाओं का ही पूरा रोल चल रहा है, बाबाओं का ही जलवा है। आप खरखोदा में क्या, पूरी लोकसभा सोनीपत में घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं क्या, पूरा देश भगवा में है और कोई खरखोदा की बात नहीं, पूरी नौ की नौ विधानसभाओं में बाबा बिंदल ने यात्राएं भी करी हैं। पहले भी आपने देखा 22 जनवरी 2024 जो हम भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से 500 साल बाद ऐसा दिन आया कि राम मंदिर बना और हमारे भगवान श्री रामलला जी अपने अयोध्या नगरी लौटे और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई 22 जनवरी 2024 को। बाबा बिंदल और उसकी टीम, हम सब लोग मिलकर के एक पुस्तिका के माध्यम से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वर्णिम 10 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, उस सारे उपलब्धियों को एक पुस्तिका में कैद कर करके आज बना, उस पुस्तिका के माध्यम से हम पूरी टीम मिलकर के हर विधानसभा में, सोनीपत लोकसभा की हर विधानसभा में जा करके पुस्तिका का वितरण कर रहे हैं। उसके अंदर जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं 10 साल की, वो जन जन तक उनका संदेश दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो जन लाभ के लिए, आम आदमी के लिए। मानता हूं भाजपा जो है राम लहर पर सवार है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोकसभा सोनीपत में घूम रहे हैं, यहाँ के गड्ढे, यहाँ की गलियों में भरा पानी, यहाँ की समस्याएं वो भी आपको दिखाई दी होंगी। आज खरखोदा में थे आप, यहाँ भी काफ़ी समस्याएं आपको नजर आई होंगी। क्या मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या इसका खामियाजा भाजपा को या कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, जो आज मैंने गड्ढे देखे खरखोदा के अंदर, इससे बड़े बड़े खड्डे मैंने देखे हैं बड़ौदा विधानसभा में, जो 2 से 3 फीट तक गड्ढे हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, मैंने बड़ौदा में एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा उसका भी आपको। इस तरह की परेशानियाँ मैंने वहाँ भी देखी हैं। आज जो यहाँ का विधायक है कांग्रेस का, अगर मैं बात करूँ बड़ौदा में कांग्रेस के विधायक का, जब वो विधायक विधानसभा में बैठ करके मुद्दा नहीं उठाएगा, समस्या नहीं बताएगा, समाधान कहाँ से होंगे? जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम जन के बीच में वो प्रतिनिधि जाकर के वोट मांगता है और कहता है कि मैं काम करूंगा, कहाँ है आज वो काम? आज ये गड्ढे दिखाते हैं जो यहाँ का विधायक है, जब जनता उसके पास जाती है तो विपक्ष का एक ही जवाब होता है कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ। जनता ने आपको वोट दिए थे, आपने जब वोट लिए थे यही नहीं कहा था कि पक्ष में, अगर विपक्ष में हुआ तो काम नहीं करवा पाऊंगा। आज उसका फर्ज बनता है, आज वो अपने फर्ज से पीछे हटता है। तो मैं इतना जरूर मानता हूँ आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव के अंदर जनता इस बात का जवाब उसको जरूर देगी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा अति उत्साह में है, जिस तरह से मोदी गारंटी की बात की जा रही है कि मोदी है तो गारंटी है, तो आप इसको किस प्रकार से लेते हैं? बिल्कुल मोदी की गारंटी है। आप देखिए मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कितने एम्स बने, सैकड़ों एम्स बने, एयरपोर्ट बने, नेशनल हाईवेज बने। आज पूरे हिंदुस्तान में जाल बच चुका है सड़कों का, नेशनल हाईवेज का। मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ कि 3 तलाक का जो कानून था जिससे मुस्लिम बहनें परेशान होती थी, आज 2019 की मैं अगर बात हूँ, 2019 के अंदर के लोकसभा चुनाव के अंदर भी मुस्लिम बहनों ने वोट दे करके ही मोदी जी को जिताया था, पूरी जनता ने जिताया था। और अगर मैं बात करूँ धारा 370 की, तो जम्मू कश्मीर में पहले जो हमारे सैनिक भाई जो शहीद होते थे विपक्ष 70 सालों के अंदर, आज जाकर के उन शहीदों के परिवारों से पूछा कितना सुख चैन है, क्योंकि जब वो 100 में से 10 भाई हमारे सैनिक भाई हमारे हरियाणा के ही होते थे। वही मोदी जी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम पिछले 500 सालों में नहीं हो पाया करके दिखाया, राम मंदिर जो हमारे हिंदुओं के लिए बड़ी आस्था का प्रतीक है, बड़ी आस्था हम रखते हैं राम के प्रति, आज दिखाया मोदी जी ने कि उनके अथक प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से आज सफल हुआ कि 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। जी, जिस प्रकार से ए राजा और स्टालिन ने राम के ऊपर सवाल खड़े किए, राम पर विश्वास नहीं करने की बात की, एक बाबा होने के नाते आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, कुछ दिनों पहले उनको निमंत्रण भी गया था विपक्षी दलों को, और स्पेशल अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की,
उनके जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। तो इस बात पे मैं एक ही प्रतिक्रिया दूंगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिस तरह से योगी बाबा को मौका मिला, बाबा बालकनाथ को मौका मिला, आपको कैसे भरोसा है कि सोनीपत लोकसभा से आपको ही टिकट मिलेगा? मैंने पहले हर अपने जो इंटरव्यू है उसमें हर बात बोलता हूँ या आम जनता को मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं किसी जाति का नहीं हूँ, किसी एक जाति का। बाबा बिंदल सबका है, 36 बिरादरी का है। और बाबा बिंदल आज आपने देखा भी कि कोई समय नहीं आया टिकट मांगने का या वोट मांगने का, अभी कोई समय नहीं है वोट मांगने का। और ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले 5 सालों से बात करूँ तो लगातार मैं जनता के बीच में हूँ। जो रही बात टिकट की, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, उनका फैसला होगा। मैं तो एक सच्चे सिपाही की तरह उस प्रचार में लगा हूँ, जो आम नीतियाँ, जन लाभ की जो नीतियाँ हैं मोदी जी की, वो जन जन तक पहुँचे, यही मेरा आगे आगे प्रयास रहेगा जी। तो दर्शकों, ये थे बाबा अमित बिंदल, जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में गली गली और सड़क सड़क घूम रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि लोकसभा चुनाव में कौन उतरने वाला है और आने वाली लिस्ट में किसका नाम होगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह, नमस्कार।